मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है फिलिप्स नाम का लिंक्स बहुत ज्यादा भूखा होता है, इसलिए रैबिट को खाने के लिए पकड़ लेता है। रैबिट को पकड़ने के बाद रैबिट फिलिप्स के सामने रोने लगता है, इसलिए फिलिप्स दया खाकर रैबिट को छोड़ देता है। लेकिन रैबिट के छूटने के बाद रैबिट फिलिप्स के हाथ में काट कर भाग जाता है। इसके बाद एनिमल शेल्टर के इंसान फिलिप्स को पकड़ कर एनिमल सेंटर में ले जा रहे होते हैं। जब फिलिप्स एनिमल शेल्टर में पहुँचता है तब फिलिप्स को गस मिलता है। गस रंग बदलने वाला जानवर होता है। गस फिलिप्स से कहता है शेल्टर के लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं और हम सब पर एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों को मार देंगे, इसलिए हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। फिलिप्स कहता है ऐसे ही शेल्टर में मेरी परवरिश हुई थी और वो मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे, इसलिए मुझे लगता है तुम्हें कहीं से गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। गस कहता है तुम मेरी बात को समझो और जो मैं कह रहा हूँ वो मानो। इसके बाद फिलिप्स और गस एक जेल में बंद होते हैं। रूपर्ट गस को ताला खोलने वाली पिन लाकर देता है। फिर गस रूपर्ट से कहता है हम बहुत ही जल्दी तुमसे बहुत बड़ी चीज मंगवाएंगे और यहाँ से हम लोग भाग जाएंगे। रूपर्ट कहता है अब मैं पिता बनने वाला हूँ, इसलिए मुझे और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। इसके बाद फिलिप्स और गस जेल के गेट को खोलकर बाहर आ जाते हैं। बाहर निकलने के बाद सिक्योरिटी गार्ड की लाइट गस और फिलिप्स की तरफ आ रही होती है। फिलिप्स और गस लाइट से खुद को बचा के आगे बढ़ते हैं और गस एक धक्कन से टकरा जाता है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी गार्ड कहता है यहाँ पर कौन है और लाइट को इन दोनों की तरफ घुमा कर देखता है। गस और फिलिप्स छुप गए होते हैं, इसलिए गार्ड लाइट को यहाँ से हटा लेता है। लाइट के जाने के बाद गस और फिलिप्स सिक्योरिटी ऑफिस की दीवार पे चढ़कर चुपके से देखते हैं। ऑफिस में न्यूज चल रही होती है और न्यूज में बताया जाता है बाहर की कंपनियां जानवरों को किडनैप कर रही हैं, जिसकी वजह से उनके एरिया में जानवरों की कमी आ गई है। न्यूज को सुनकर ऑफिस का गार्ड कहता है ठीक है, जानवरों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। गार्ड की बातें सुनकर गस चिल्लाने लगता है, इसलिए गार्ड पीछे मुड़कर देखते हैं। फिर गस और फिलिप्स छुपकर यहाँ से भाग जाते हैं और जब सुबह होती है तो सारे जानवर शेल्टर से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी शेल्टर वाले जानवरों को बाहर से पकड़कर एक गाड़ी में भरकर ला रहे होते हैं और सारे जानवर गेट पर जाकर गाड़ी के जानवरों को देखने चले जाते हैं। इसी बीच लाइट का शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से फिलिप्स के इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद शेल्टर के लोग गस और फिलिप्स का इलाज करते हैं और फिर फिलिप्स से कहते हैं हमें तुम्हारी तरह एक फीमेल लिंक्स मिली है, हो सकता है उससे तुम्हारी दोस्ती हो जाए। इसके बाद न्यूमैन को दिखाया जाता है जो एक हिप्पोपोटामस को मार देता है और न्यूमैन के पास मिस्टर नूह का फोन आता है। नूह कहता है हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे लेकिन उसके बदले तुम्हें जानवरों की स्पीशीज लाकर देना होगी। न्यूमैन कहता है ये काम तो मेरी चुटकियों का है और मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर दूंगा। और मिस्टर न्यूमैन जानवरों को पकड़ने के लिए यहाँ से निकल जाता है। और अगला पार्ट तभी आएगा जब इस वीडियो पर 101 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, इसलिए 101 लाइक्स कंप्लीट करने में अपना योगदान देना मत भूलना।